राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि मिर्चल जिले के दमाईगुड़े को बहुत आकर्षक ढंग से तैयार किया जाएगा। इसी संदर्भ में मंत्री ने इंटीग्रेटेड मार्केट भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्री मल्ला रेड्डी ने बताया कि 2 एकड़ भू क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मार्केट को सभी प्रकार के आधुनिकताओं के साथ निर्मित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने दमाईगुड़े में दौरा करते हुए विविध विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस आधुनिक मार्केट का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। मार्केट को भूमि पूजा वन इयर कंप्लीट ఏది ఏమైనా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు కొత్తగా మున్సిపాలిటీలు చేసుకున్న మా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో 7 మున్సిపాలిటీలు 3 కార్పొరేషన్లు ప్రతి ఒక్క మున్సిపాలిటీ కూడా రెజినాన్ మిల్క్ మార్కెట్ కానీ లేబర్ యార్డ్ కానీ డంపింగ్ యార్డ్ కానీ నర్సరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా అన్ని మున్సిపాలిటీలకు కార్పొరేషన్లకు నిర్మించుకున్నాము। గ్రామ పంచాయత్ నిధియో పర్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ కే అధ్యక్ష बंडी संजय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्राम पंचायत निधियों के मामले में बंडी संजय ने कहा कि आज टीआरएस पार्टी के शासन काल में राज्य के ग्राम सरपंचों की स्थिति यह हो गई है कि इन्हें आज भीख मांगकर खाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरपंचों को निलंबित करना यह बहुत ही क्रूर कृत्य है। कुकटपल्ली के अल्लापुर डिवीजन में पार्षद सबीहा गौसोद्दीन ने सहायक अभियंता रजिता के साथ मिलकर क्षेत्र का दौरा किया। इस संदर्भ में उन्होंने डिवीजन से संबंधित कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पार्षद ने 38 लाख रुपयों के खर्च से हिंदू श्मशान वाटिका, 35 लाख रुपए की लागत से शिवाजी नगर में सीसी रोड निर्माण कार्यों जैसे अनेकों विकास कार्यों का शुभारंभ किया। डिवीजन में स्थित रामाराव नगर, शिवाजी नगर में विकास कार्य चलने की भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि डिवीजन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस विकास कार्यों को करते हुए संतोष हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने विधायक माधवम कृष्ण राव की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सब कार्य उन्हीं के प्रयासों से सफल होते जा रहे हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव ने एक सूचना जारी करते हुए बताया कि जूनियर इंटरमीडिएट के परिणाम जून माह की 20 तारीख के भीतर घोषित किए जाने की संभावना है। बोर्ड के सचिव ने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में छोटी मोटी गलतियां हुई है। सचिव उमर जलील ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तेलुगु अंग्रेजी माध्यमों में अलग अलग प्रश्न आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन प्रश्नों के स्थान पर अलग प्रश्न आए हैं उनमें से किसी को भी लिखने पर उनको भी गणना में लिया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इस विषय में ज्यादा सोचने तथा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। So we are very happy. I'm very thankful to all the staff who have conducted the exams, all the chief superintendents, departmental officers, and my flying squad team, observers, and all the officers here, all the interpreters. Andar kalsi ee roju you have made this possible, and I'm very grateful. Ippudu varaku mem prashantanga successful ga अमीरपेट डिवीजन में 1.74 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जीएचएमसी के अधिकारी आदि उपस्थित थे। लीलानगर श्रीनिकेतन रोड पर 13.80 लाख की लागत वाले पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्य, श्रीनिकेतन में फुटपाथ ड्रेनेज कार्य, पीजेआर नगर में 2 में पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्य, शिवबास स्थित नालंदा स्कूल के पास 14.70 लाख के खर्चे से निर्मित किए जाने वाले सीसी रोड निर्माण कार्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के निवास स्थान के चौराहे पर 26.25 लाख रुपए मूल्य के सीसी रोड तथा फुटपाथ निर्माण कार्यों का मंत्री श्रीनिवास यादव ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जीएचएमसी के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। हैदराबाद महानगर में निवेश के लक्ष्य से राज्य के मंत्री केटीआर विदेशों का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री कई देशों के अधिकारियों के साथ चर्चाएं कर रहे हैं।
विदेशी उद्योगपतियों तथा उन देशों के नेताओं से भेंट के बाद मंत्री केटीआर ने उन्हें बताया कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा तेलंगाना राज्य में मौलिक सुविधाएं अधिक है। इस कारण आप जिस क्षेत्र का भी विकास करना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में भी निवेश करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी विकसित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कई विदेशी उद्योगपतियों व नेताओं को तेलंगाना राज्य सहित हैदराबाद नगर का दौरा करने का न्योता दिया। सुप्रसिद्ध गायिका पी सुशीला के गीतों के प्लैटिनम जुबली समारोह तथा नागरिक सम्मान का आयोजन रविंद्र भारती सभागृह में किया गया। तेलंगाना राज्य के सरकार भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित इस समारोह में एमएलसी कविता मधुसूदन चारी उपस्थित हुए। इसी मौके पर बतुकुम्मा गीत गाई पी सुशीला का नागरिक सम्मान किया गया। ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ సుశీలమ్మను సత్కరించుకునే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఒక వ్యక్తి పట్టుదలతో పనిచేస్తే విజయాలు సాధించవచ్చనందుకు సుశీలమ్మను నిరసించమని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు అనేక భాషల్లో 50,000 పాటలు పాడటం ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలు అభిమానాన్ని పొందడం సాధారణ విషయం కాదని గుర్తు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ సుశీలమ్మను సత్కరించుకునే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఒక వ్యక్తి పట్టుదలతో महिलाओं के लिए एक आदर्श है। एमएलसी कविता ने कहा कि अनेकों भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर उन क्षेत्रों के जनता का आदर प्राप्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। ఎందుకంటే ఒకసారి ఏదైనా కెరీర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా పట్టుదలతోని ముందుకు వెళ్ళాలని వారు ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం అనుకోవచ్చు. 50,000 పాటలు పాడడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అది కూడా ఒక్క భాషలో కాదు, అనేకమైనటువంటి భాషలు. ఏ భాషలో పాడినా కూడా ఆ భాష వల్ల ఈమె మా భాష తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అని అనుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం. వారు మన తెలుగువారు కావడం మన రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా గర్వకారణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఒక మహిళగా గర్వపడుతూ ఉన్నాను. हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस थाना परिधि में दर्दनाक घटना घटी। यह एक सैनिक की पत्नी के साथ आम नागरिक रासलीलाएं खेलने के लिए उतर पड़ा, फिर दृश्य को देखे सैनिक ने पत्नी की इन हरकतों को देखकर दंग रह गया। जुबली हिल्स के राहत नगर में स्थित यादगिरी में यह घटना घटी। सैनिक सेवाओं के निमित्त पति अपने नौकरी पर रहते उसकी पत्नी रहमत नगर के यादगिरी नगर में रहने वाले अपने प्रेमी को पति के रूप में परिचय करवा कर एक मकान को भाड़े पर ली। इस मकान में अपने पति के साथ रंगरलियां मनाने के दौरान अपने पति के हाथों रंगे हाथ पकड़ी गई। सैनिक पति के साथ उस महिला की दो संतानें हैं। एक सेना के जवान की पत्नी पर पुरुष के मुंह में पड़कर यह हरकत करने लगी। अचानक घर आए जवान मधुसूदन ने घर में अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखकर निर्वृत्त रह गया। उसने अपने पत्नी सहित उसके प्रेमी ज्ञानेश्वर को रंगे हाथों पकड़कर पुणे घर में ही रखकर पुलिस को सूचित किया। जवान के घर पर पुलिस पहुंचकर तहकीकात करते हुए मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए बीएमएस से संबद्ध ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के तत्वावधान में बंद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। तेलंगाना परिवहन विभाग फिटनेस के लिए प्रतिदिन वाहनों पर 50 रुपयों का जुर्माना लगा रही है। यूनियन के अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस जुर्माना राशि को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी इसी बात को लेकर गरीब ऑटो चालकों टैक्सी चालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने शासन आदेश 740 को तत्काल रोकने की मांग की। రోజుకు 50 రూపాయల పెనాల్టీతో ఈ కార్మికులకు ఏదైతే ఇబ్బంది చేస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గత నెల రోజుల నుండి వివిధ కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఆర్టీఓ కార్యక్రమం ఆర్టీఓ ఆఫీస్ కార్యక్రమాన్ని కమిషనర్ ఆఫీస్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ నెల రోజుల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. కమిషనర్ కూడా ఒక వినతి పత్రం ఇచ్చాం. ఇంత వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా ఈ కార్మికుల సమస్యల గురించి ఇంత పోరాడి చెప్పినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంత కూడా నింబకు నీరెత్తినట్టు ఉన్నది. అదే విధంగా రోజుకు 50 రూపాయలు ఒక రోజు రేట్ అయితే 50 రూపాయలు పెనాల్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ ఆధ్వర్యం లోపల ధర్నా చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 714 జీవోని నిలుపుదల చేయాలని,
ఈ రోజుకు 50 రూపాయల పెనాల్టీ ఏదైతుందో డ్రైవర్ల మీద ఒక పరిగణిస్తుంది. ఒక ఆటోకు 20,000 30,000 రూపాయల కిరాయి అంటే ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల నుంచి అయితే కరోనాతోనే ఆల్రెడీ పనులే నడవాలి. हैदराबाद के कुलसुमापुर पुलिस थाना परिधि में दर्दनाक घटना घटी. यह एक 12 वर्षीय बालक के शव पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. कुलसुमापुर पुलिस थाना परिधि में एक बालक की 3 दिन पूर्व ही हत्या हुई है, ऐसा पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है. यह हत्या मामले का पूरा घटनाक्रम आवारा कुत्तों द्वारा उस बालक के शव को खींच खाने से यह मामला प्रकाश में आया है. कुलसुमापुर पुलिस बालक के शव को उस्मानिया अस्पताल भेज दिया है. पुलिस इस मामले को दर्ज कर इसके पीछे कोई साजिश या अन्य कोई कार्रवाई का आंकलन करते हुए जांच कर रही है. तेलंगाना राज्य में जनजातीय लोगों को जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए अंबरपर के मंडल राजस्व अधिकारी ललिता को भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के अध्यक्ष देवराय राधाकृष्ण ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा. भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मोर्चा नेताओं ने बताया कि तेलंगाना राज्य में जनजातीय लोगों की जनसंख्या 9.9% है. इस कारण जनजातीय लोगों को कुल 12% आरक्षण देने का मुख्यमंत्री केसीआर ने 2017 में ही आश्वासन दिया था. उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय आरक्षण बिल सहित बीसी अल्पसंख्यक बिलों को भी जोड़कर इस प्रकार के बिल तैयार करना संविधान के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि यह सब जानबूझकर धोखाधड़ी के उद्देश्य से इस प्रकार किया जा रहा है. जरा उन्होंने कहा कि जाति धर्म के साथ जोड़ना और इसे केंद्र के पास भेजना बहुत ही अन्यायपूर्ण है. उन्होंने जनसंख्या के आधार पर जनजातीय लोगों को उनकी हिस्सेदारी उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो भारी पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा. ఈరోజు మా గౌతమ్ అన్నగారు ఆధ్వర్యంలో, వెంకటన్న గారు ఆధ్వర్యంలో, చుక్క జగన్ అన్నగారు ఆధ్వర్యంలో, మా కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అంబర్పేట మండల ఆఫీసు ఎంఆర్ఓ గారికి మేము వినపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారు, ఆ రోజు మీకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు ఒకటే విధంగా రిజర్వేషన్ కల్పిస్తానని చెప్పేసి మాకు అన్యాయం జరిగింది. ఎస్టీ మోర్చా నుంచి మన మండల్ ఆఫీస్లో ఎంఆర్ఓ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీని ఏదైతే ఎస్టీలకు 12% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో ఏదో మైనార్టీకి వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళ హామీ మరియు మైనార్టీ పరమైనటువంటి లేకుండా మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్లకు ఇది కలిపి ఇవ్వడం కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తలేదని చెప్పి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయడం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లియర్ చెప్పేది మీకు మైనార్టీలకు మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ పెంచుతారో క్లియర్గా సపరేట్గా చేసి పంపితే వెంటనే పెంచుతామని చెప్పి కూడా भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रभुत्वं चेप्पिंदी. हैदराबाद नगर के उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में बेरोजगारों ने अपना आंदोलन आरंभ किया. इन बेरोजगारों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय आर्ट्स कॉलेज भवन पर चढ़कर अपना विरोध जताया. तेलंगाना राज्य में रोजगार मेला लगाने के बावजूद भी बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन एवं उनकी मांगों का सिलसिला नहीं रुका है. पुलिस जवानों की अधिसूचना में आयु सीमा में 2 वर्षों की वृद्धि करने की बेरोजगारों ने मांग की. यह आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी बेरोजगारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. भारी नुकसान के साथ आरंभ हुआ स्टॉक मार्केट नुकसान के साथ चलते हुए अंततः भारी घाटे के साथ बंद हुआ. निवेशकों की संपदा एक दशा में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के पतन पर पहुंच गई है. अत्यधिक सेंसेक्स 1,400 पिट्टू के ऊपर पतन हुआ. विश्व भर में भारी पैमाने पर बढ़ रही मुद्रास्फीति ब्याज दरों की वृद्धि भयभीत कर रहे हैं. देशीय स्टॉक मार्केट भारी घाटे के साथ समाप्त हुआ. यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण साथ ही साथ मुद्रास्फीति एवं ब्याज दर में वृद्धि सब मिलाकर देशीय स्टॉक मार्केट का पतन किए है. 1,416 पॉइंट घटकर 5,027 के पास सेंसेक्स समाप्त हुआ. 430 पॉइंट घटकर 15,809 के पास निफ्टी का समापन हुआ. 848 पदों को बैंक निफ्टी खोया है.